हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, यहाँ पे जो है शाम की आरती हो रही है, तो मैंने जो मदर्स डे का एक पार्ट था वो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया था, तो ये है पार्ट टू। तो यहाँ पे मैंने शाम को जो आरती होती है हमारे यहाँ, वही आप लोग के साथ शेयर की है जस्ट। तो भगवान जी देख लीजिए, हमारे दर्शन कर लीजिए। एंड यहाँ पर जो हमारे भगवान जी हैं वो मुझे राधा कृष्ण की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पर एक साईं बाबा का दीपक जलता है, एक जो बाकी भगवान है उनका दीपक जलता है, ये हमारे मान बाबा। तो यहाँ पे मैं स्पेशल कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। तो ये है कढ़ाई पनीर का मसाला। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, इसमें ऐसे सूखी लाल मिर्च, और आपको ये सूखी जो धनिया आती है मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे ये डाल के अच्छे से इनको भून लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपको अच्छे से भूनना है, जब तक ये अच्छे से भून ना जाए। उसके बाद आपको 2 चम्मच इसमें नमक डालना है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से इसको चला दूँगी। तो ये है स्पेशल कढ़ाई पनीर मसाला। तो इससे जो है कढ़ाई पनीर का जो टेस्ट है दुगना हो जाएगा, तो बहुत ही यमी है। तो आप लोग इसको इस तरह से बना सकते हो, आप लोग जैसे आलू फ्राई करते हो तो उसमें भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको भून लिया है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी एक प्लेट में। उसके बाद आप इसको ग्राइंडर से जो है इसको ग्राइंड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, अब मैं ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी। एंड यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई थी उसमें 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। उसके बाद इसमें डालूँगी प्याज जो कि फाइनली चॉप्ड है। तो यहीं पे मैं इस तरह से इसमें प्याज डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, आप लोग जितनी क्वांटिटी जितने हिसाब से बना सकते हो, जितनी ज़्यादा बनाते हो उतने आप ज़्यादा प्याज डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल लिए थे। इसके बाद अच्छे से इसको इस तरह से चला दूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर मैं अब डालूँगी जो कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। एंड यहाँ पर डालने के बाद आप लोग जो घर में जिंजर या गार्लिक है उससे भी बना सकते हो। यहाँ पे मेरे पास पैकेट था इसलिए मैंने पैकेट से यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया था 1 चम्मच, इसके बाद अच्छे से चला दूँगी इसको। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है, क्यूमिन। तो उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे लाल मिर्च, तो 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच आधी चम्मच आपने हल्दी डालनी है इसमें, हल्दी थोड़ी डालनी है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है धनिया पाउडर, इसको अच्छे से चला दूँगी मैं। एंड अच्छे से मिक्स कर दीजिए सब, पूरा जितना मसाला है इसको अच्छे से भूनिए 1 से 2 मिनट तक, जब तक ऑयल और मसाला अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है टमाटर की प्यूरी डाली है, तो 2-3 टमाटर मैंने इसको अच्छे से जो है फाइनली इसमें ग्राइंड कर लिए थे, उसके बाद प्यूरी बना ली थी। इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है, इसको पूरे को मिक्स कर दिया है। आप लोग कलर देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। तो इस तरह से आपको 2 से 3 मिनट तक चलाना है जब तक कि जो टमाटर है उसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद अच्छे से चला लीजिए इसको जब तक कि जो मसाला है अच्छे से भुन नहीं जाता एंड टमाटर अच्छे से जो है भुन नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था, सिम कर दी थी गैस, एंड जो है नेक्स्ट पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। यहाँ पे मैं दूसरी जो है कढ़ाई रख दूँगी एंड इसमें मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर का जो वेजीज होती हैं वो। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज, 1 प्याज, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च को जो है काट लिया था। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चला दिया था। आप लोग इसको अच्छे से चला दीजिए, सॉटे कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें पनीर डालना है जो कि मैंने लंबे लंबे क्यूब्स बड़े बड़े काटे थे, क्योंकि कढ़ाई पनीर में इस तरीके अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड किया है एक फ्लेवर ऐड करने के लिए। आप लोग इसमें बटर भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल के उसके बाद अच्छे से इसको इस मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने जो स्टार्टिंग में आपको जो मसाला बताया था वो मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें जो है 1 चम्मच मसाला जो है इसमें डालूंगी, इस तरह से जो वेजीज मैंने करी हैं सॉटे। उसके बाद जो 1 चम्मच मसाला है वो मैं यहाँ पे ग्रेवी में डालूंगी जो मैंने रेडी की है। अब इन दोनों को मैं अच्छे से जो है मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है लाल मिर्च डाली, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो वेजीज़ हैं वो मैं प्यूरी में डाल दूँगी एंड अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो गाइज़, ये वाला जो मैंने कढ़ाई पनीर है फर्स्ट टाइम बनाया था, एंड मैंने यहाँ पर एक लोग यूट्यूब पर ही रेसिपी देखी थी, बहुत ही यम बना था। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था एंड सबको ही अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मतलब एक अलग स्टाइल का कढ़ाई पनीर था, जो अगर जैसे कि अभी जो है मैंने इसीलिए बाहर से ऑर्डर नहीं किया था कोविड की वजह से, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम से नहीं खाया था, तो मैंने घर पे ही ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड बहुत यमी बना था। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, आप लोग खुद देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
तो गाइस यहाँ पे जो मैंने केक रेडी किया था और थोड़े से बलून्स मैंने यहाँ पे मम्मी के यहाँ पे बेड पे रख दिए थे जिससे कि थोड़ा सा लुक आ जाता है। तो यहाँ पे मम्मी काट रही हैं केक एंड बहुत अच्छा सा केक बना था, बहुत ही यमी बना था एंड सबको बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे यही था मेरा छोटा सा मदर्स डे का सेलिब्रेशन। अब जो है मम्मी जो है वंशिका को खिला रही हैं एंड वो कह रही थी मैं खिलाऊँगी पहले, मम्मी कह रही थी मैं तो मैंने कहा नहीं नहीं तू खिला दे पहले, तो इसीलिए वो अब मम्मी को खिलाएगी। तब मम्मी से अब इसने खुद खा लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा नौटंकी आवाज़ है। तो यहाँ पे अब मम्मी को मैं खिला रही हूँ एंड ये वाला जो केक था इसमें जो मैंने स्ट्रॉबेरी के जो मैंने टॉपिंग डाली ना ऊपर से, उससे ये जो टेस्ट था बहुत ज़्यादा यम हो गया था इसका एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक बना था, जो कि मार्केट में मतलब जो भी हम मार्केट से लाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। अब मैं जो है ये वाला केक पापा को जो है खिला दूँगी, पापा को भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप लोग बताइएगा कि मदर्स डे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा एंड मम्मी को तो केक बहुत पसंद आया था, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये है मेरा यम्मी सा केक एंड आज का डिनर मैंने ही बनाया था। तो यहाँ पे चावल, रायता बूंदी का और रोटी और ये कढ़ाई पनीर। तो ये था मेरा डिनर एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।